Now the next topic, which is there in the electrochemistry, that is cell representation. How you represent any electrochemical cell, right? तो उसका जो representation है वो हमेशा कैसे रहता है? Anode salt bridge cathode. आपने देखा होगा अगर आप Daniell cell का diagram दोबारा से ध्यान में रखें तो आपको याद आएगा कि पहले आपने zinc वाला compartment देखा था, then there was copper वाला compartment which was behaving as cathode and both are connected by a salt bridge. तो किसी भी cell में हमेशा पहले anode लिखा जाता है, फिर salt bridge आता है और उसके बाद cathode. This salt bridge, it behaves as an intermediate between these two electrons. For example, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है, A plus B positive, gives you A positive plus B. तो अगर मुझे इसको represent करना है, तो सबसे पहले मुझे ये identify करना पड़ेगा कि इसमें से anode कौन है और cathode कौन है. So यहाँ A से A positive में जा रहा हूँ, तो A से A positive वाला, this is anode, and B positive से B का मतलब this is what, this is cathode. तो रिप्रेजेंटेशन क्या है? एनोड सॉल्ट ब्रिज कैथोड. तो एनोड कौन है? ए से ए पॉजिटिव. तो इसमें आपको लिखना होता है ऑक्सीडेशन, यहां आपको लिखना होता है रिडक्शन, लेकिन दोनों के लिए बिफोर एंड आफ्टर, राइट? तो ये यहां दिस इज एनोड, पहले क्या है? व्हाट वाज बिफोर? ए. आफ्टर दैट ये क्या बन गया? ए पॉजिटिव सॉल्ट ब्रिज. व्हाट वाज इट बिफोर? कैथोड पे बी पॉजिटिव एंड देन बी. तो देखो यहाँ से जीरो से वन पे जा रहा था ऑक्सीडेशन हो गई, यहाँ प्लस वन से जीरो में जा रहा तो रिडक्शन होगी, तो जस्टिफाई हो गया कि दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड. अब जो चीज सॉल्यूशन, मतलब सॉरी, जो चीज आयंस में है वो हमेशा सॉल्यूशन में होगी, तो आप उसको एक्वस लिखते हैं, और जो फ्री स्टेट में है इसका अगर वो सॉलिडिफाइड फॉर्म में होगी, कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉन पर डिपॉजिट हो रही होगी, तो यू विल राइट इट लाइक दिस, राइट? सो दिस इज वन काइंड ऑफ एग्जाम्पल जिसमें आपको पता चला कि हम कैसे करते हैं एनोड सॉल्ट ब्रिज कैथोड. Now we will move to another kind of example.